अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो रेटिना है, आँख का जो पर्दा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी से जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि प्रेशर बढ़ने की वजह से और रेटना पर जो फर्क पड़ रहा है उसको हम बोले हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। रेटना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आँख का, आई बॉल के जो पीछे का पार्ट होता है रेटना, और इसको काम करने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। ब्लड फ्लो प्रॉपरली होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन होगा और खाद्य पदार्थ जिसे हम बोलते हैं यानी कि खाना पीना जाएगा, तब वो सही से काम करेगी। कोई भी ऑर्गन है बॉडी का जिसको न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, तब वो सही से काम करेगा। ठीक इसी तरीके से हमारी आँख का जो पर्दा होता है रेटना, उसके अंदर भी ब्लड फ्लो होता है, ब्लड जाता है, सप्लाई जाती है। तो अगर वो ब्लड फ्लो सही से ना हो और उसमें यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से, लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर रेटना के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो यही कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना का हमारा एक अच्छा सा फंक्शन होता है। रेटिना लाइट को परसीव करती है, ब्रेन तक जो पहुंचता है मैसेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू और हम लोग देखते हैं, तो इसका एक अच्छा फंक्शन होता है। तो इसको एक नॉर्मल फ्लो में बने रहने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो की जरूरत तो पड़ती है। और अगर एक हेल्थी रेटना मेंटेन करने में हम लोग असफल रहते हैं, हमारी रेटना हेल्दी नहीं रहती है, तो इसमें हमें कॉम्प्लिकेशन और विजन लॉस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की। तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म तक अगर मेंटेन रहता है, बड़ा रहता है और वो रेटना पे फर्क डालता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। लेकिन यहाँ पर एक अलग से एक वार्निंग साइन ये भी है, अगर जो पेशेंट हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के शिकार हैं, तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के शिकार तो वो है ही, साथ में ये है कि हाइपरटेंशन की वजह से या हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो बॉडी के किसी भी पार्ट्स की किसी भी ऑर्गन की आर्टरीज को अटैक कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर रेटना के ही आर्टरीज को, पर्दे में ही जो आर्टरीज हैं उनको अटैक करेगा, वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जैसे कि मेजर जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी वगैरह हो गया, वहाँ पर भी वो अटैक कर सकता है। यानी कि वो आपकी हार्ट में जाकर के आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है। तो वो लोग जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी उनको है, तो उनको अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का खतरा बना रहता है। और इसकी एक खास बात यह है कि बड़े लंबे समय तक पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कभी कभी पेशेंट को पता ही नहीं लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, और जब उनको मालूम पड़ता है कि मतलब उनकी रेटना के अंदर खराबी आ रही है, रेटना खराब हो रही है, ब्लड सप्लाई घट रही है, और वो भी हाइपरटेंशन की वजह से, तब उनको मालूम पड़ता है कि हमारा बीपी भी बढ़ता है और उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी हो रही है। और ये कभी कभी कहना बड़ा लंबे समय तक इसके लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। और अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के क्या साइन होते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यूजली सिम्टम्स तो काफ़ी लंबे समय तक पता नहीं लग पाते हैं, सिम्टम्स कभी आते नहीं है। जब ज़्यादा सीवियर केसेस हो जाते हैं, कहानी आगे बढ़ जाती है, तब आपको पता लगता है कि मुझे सही से आई कैन नॉट सी प्रॉपरली, मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे धुंधला दिख रहा है, हमारा विजन साफ नहीं है, तो हमें पता लगता है कि जब एडवांस स्टेज में चीज़ें पता लग जाती है। अब यहाँ पर मैं चार पांच पॉइंट आपको बताना चाहूँगा जो कि साइन ऑफ दी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है। अगर हम फंडस एग्जामिनेशन करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, जो हमारा फंडस है उसके अंदर जो पता लगता है कि कुछ साइंस हमें मालूम पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स रहते हैं कि हाँ ये जो है लक्षण है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी वो लक्षण आते हैं और हमारा जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी इसमें भी ये लक्षण आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कॉटन वूल स्पॉट। कॉटन वूल स्पॉट ये है कि वाइटिश येलो कलर के स्पॉट होते हैं या ग्रेइश वाइटिश कलर के स्पॉट होते हैं, जो देखने में क्लाउड्स बादल जैसे लगते हैं पीले कलर के, वो आ जाते हैं। ठीक है, वो कॉटन वूल स्पॉट जो है आ जाते हैं। और जो आर्टीरियल बॉल होते हैं वो थिक होने लगते हैं, थिकनेस ऑफ द आर्टीरियल बॉल, ये एक अहम इसका एक साइन होता है। और जब हम चेकआउट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो ऑप्टिक डिस्क इडीमा यानी कि पैपिलिडीमा भी देखने को मिलता है। लेकिन पैपिलिडीमा
एडवांस स्टेजेस में देखने को मिलता है। जनरली जो मॉडरेट या फिर अर्ली स्टेजेस होती है वहाँ पर पेपिलेटी में देखने को नहीं मिलता है। टिनी रेड डॉट्स दिखाई पड़ते हैं, टिनी स्मॉल रेड डॉट्स दिखाई पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म। ये सारी चीज़ें हमें फंडस एग्जामिनेशन में जो फंडस की फोटो होती है उसमें हमें पता लगती है। और कुछ येलो स्पॉट्स भी दिखाई पड़ते हैं जो कि हार्ट एक्सुडेट्स होते हैं जो कि फैट्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ब्लड वेसल जो डैमेज होती है उनसे वो लीक होते हैं और वो हमें साफ साफ उसको दिखाई पड़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की कॉजेज यानी कि इसके कारण इसकी वजह के बारे में। जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, उनकी एक ल्यूमन होती है। इसमें होता है क्या है, जब हाई ब्लड प्रेशर परसिस्ट करता है काफ़ी लंबे समय तक, लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर जो ब्लड बहता है तो वो जो ब्लड वेसल्स होती है वो टाइट हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वैसो स्पाज। तो उसका जो रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है, ल्यूमन जो होती है उसका जो रास्ता होता है वो थोड़ा नैरो हो जाता है और ब्लड प्रॉपरली सही से फ्लो नहीं पाता है। तो इस तरह की कंडीशन इसको हम बोलते हैं वैसो स्पाज। तो होता क्या, जनरली जब ये जो ब्लड वेसल्स होती है रेटना की तो हल्के हल्के क्या होता है, ये अंदर से थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। मोटी मोटी बात यही है कि लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो प्रेशर बिल्ड होता है ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो उसकी जो अंदर का जो पार्ट है वो नैरो हो जाता है, रास्ता काफ़ी ज़्यादा उसका जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है, ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है। और जब ये लगातार बना रहता है तो होता है क्या, प्रॉपरली ब्लड फ्लो रेटना तक नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से क्या होता है कि हमारा विजन लॉस हो जाता है। कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्या वजह है जो ज़्यादा ट्रिगर करती है, बढ़ावा देती है कि आपको हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी किडनी ख़राब है, किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है, आपके पेशाब में एल्बमिन आ रहा है, प्रोटीन आ रही है तो वो सही से फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, फिर आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो डायरेक्टली ये है कि आपका किडनी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जब किडनी सही से परफॉर्म नहीं करता तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी है, या आपको हाई ब्लड शुगर मतलब आपकी बढ़ी रहती है, या हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर रहता है, या आप टोबैको स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ये कई सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं जिसकी वजह से, या फिर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ब्लड वेसल्स की कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको खतरा बना रहता है कि आपको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या और आपको इससे आपके आँख के अंदर क्या क्या कहाँ तक कहानी आपकी आगे बढ़ सकती है, क्या और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपको लगातार मतलब हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी बनी हुई है तो आपके रेटना के उखड़ने के चांसेस हैं, यानी कि जो पर्दा है उसको रेटनल डिटैचमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, रेटनल डिटैचमेंट भी हो सकता है और प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑप्टिक नर्व की तरफ थ्रू ब्लड नहीं जाएगा, ऑप्टिक नर्व की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, या फिर रेटना पर ब्लड नहीं जाएगा तो ऑप्टिक एट्रोफी की कंडीशन बन जाती है। और प्रॉपर ब्लड फ्लो ना होने की वजह से आपका विजन लॉस होने लगता है, कम्प्लीटली विजन लॉस भी कभी कभी हो जाता है। और ये कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपके पर्दे यानी कि मैकुलर इडीमा, पर्दा मैकुला जो होता है बीच का पार्ट सेंट्रल, उसके अंदर आपको स्वेलिंग हो सकती है, आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और भी कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी तो आपको है ही, लेकिन इसकी वजह से और सारे जो इश्यूज़ होते हैं, अदर आई इश्यूज़ जो होते हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्योंकि ये ब्लड रिलेशन वाला इश्यूज़ है, ब्लड के प्रॉपरली फ्लो ना होने की वजह से है, तो और भी डिजीज़ होती हैं जो आई को पर्दे को प्रभावित करती हैं, जैसे कि रेटनल वेन अक्लूजन हो गया, या फिर सेंट्रल रेटन आर्टरी अक्लूजन हो गया, यानी कि BRBO, CRBO, CRAO, इस तरीके की जो डिजीज़ है वो भी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो लास्ट में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो जो हमने बनाया है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी यानी कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी रेटना आँख के पर्दे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मैंने इसके कॉजेस बताए, इसके रिस्क फैक्टर भी आपको बताया, इसके कॉम्प्लिकेशन भी बताया और ये क्या होता है ये भी बताया। तो इसको अगर हमें बचना है यानी कि प्रिवेंट करना है, इसके प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें यही है कि आप जो है अपना वजन कम कर सकते हैं, अपना अल्कोहल कंजप्शन अगर अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल कम कर सकते हैं, सॉल्ट इनटेक अगर हमारी डाइट के अंदर सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो बीपी बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब वो चीज़ें जो बीपी को बढ़ावा देती हैं बढ़ाती हैं उनको हमें रिड्यूस करना है, उनको कम करना है। और एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं, अपना खाना पीना बैलेंस डाइट ले सकते हैं, और मतलब वो
किडनी के फंक्शन अगर आपके सही नहीं है तो वो फंक्शन आप सही कर सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है उसको आप रूल आउट करके, उसको पता करके आप उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मतलब ये जो ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट मतलब ये कि हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी समय से अर्ली अगर आपको डायग्नोज हो जाए तो ये ठीक भी हो जाती है, और इसके जैसे जैसे बीपी कंट्रोल में आता है तो थोड़ा सा टाइम के साथ साथ जो चेंजेस रेटिना में होते हैं वो ठीक होने लगते हैं और मरीज जो है ठीक होने लगता है। मतलब ये है कि इसमें ठीक होने के आपके पास चांसेस हैं, चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए चाहे फिर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन आपके यहाँ चांसेस हैं ठीक होने के। आपको अपना बीपी मेंटेन रखना है, आपकी लाइफस्टाइल को आपको मेंटेन रखना है। तो अब लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरीके की कोई बीमारी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है या फिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है या फिर आपको कोई और कारण से आँख के पर्दे की कोई भी बीमारी है या फिर आपकी ऑप्टिक नर्व सूख रही है, कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8865955907, इस पर आप हमें रिपोर्ट भेजिए, और फिर हम शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप हमें कॉल करिए, बातचीत करिए, अपने केस के बारे में सारी जानकारी हमें दीजिए और अपना ट्रीटमेंट लीजिए। आपको इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिलेगा, होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है जिससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।